आराम कर साला, तुमने सब बच्चा तुम्हारे माफी पैदा किया, एक भी बच्चा मेरे पे नहीं गया है, इसमें से एक भी बच्चा मेरा है ही नहीं। अरे होमी, तेरी शर्म नहीं आती है वो बोलता? अरे तो जोने आए बच्चा लोग तूफान काहे से तो? अरे मैं तुम्हें पर शादी के पहले इविज मस्ती करता था। चल चल, शादी के पहले मैं एकदम शरीफ आदमी था, शादी के बाद तुमने मेरी शराफत को खत्म कर दिया। हाँ साला, क्या तुमने बच्चा पैदा किया? मालूम नहीं पड़ता इंसान का बच्चा है, गधे का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है कि घोड़े का बच्चा है? 100% तेरा बच्चा है। तेरा मतलब साला मैं गधा हूँ? हाँ तो गधे रहा। चल, तेरे साथ झगड़ा कर करके मेरा गला बैठ गया। ये बच्चे लोगों को भेलपुरी खिलाओ, चना पूरी खिलाओ, पूरी पूरी खिलाओ, बटाना पूरी खिलाओ, तुम मत खाना, खा खा के जारी हो गई है। मैं बाजू की दुकान में पानी पी के आता हूँ। हाँ चलो चलो, जल्दी करो, भेलपुरी दो, पानी पूरी दो, जल्दी करो। खाएगी बच्चे लोगों को नहीं खिलाएगी, घर में भी सबके लिए खाना बनाती है, खुद खा जाती है। मेरे को तो यतीम बना दिया, मेरी समझ में नहीं आता क्या करने का, क्या करने। सुनिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अरे पूछो पूछो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ बात पूछो। आपने ये तस्वीर देखी? अरे तस्वीर को मारो गोली, हमारे सामने जो तस्वीर है ना, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। आप पागल हैं? नहीं बाबा। तो फिर आप इतने बदतमीज क्यों हैं? आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आप इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अरे साला, हमारा बीवी एकदम सरेला अंडे के माफिक, एकदम जूना पुराना खटारा मॉडल। साला हमारा गले कैसे पड़ गए हमको ही नहीं मालूम पड़ता है। हाँ, उसका आवाज है ना कान के अंदर जैसे कौवा बोलता है, का, 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 का। हाँ, उसका आँख है ना वो एकदम फिरेला है, वो दूसरे को देखती है तो हमको लगता है कि हमको देखती है। अरे हम तो उससे बहुत कंटाल गया है, उसको छोड़ के हम तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है। आई तो सुबह बोले होमी। नहीं डार्लिंग, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, मैं तो बोल रहा था कि तुम्हारा आवाज कोयल की माफिक है। हाँ तो कान के अंदर कू कू होता है। हाँ मैं ऐसा ही बोलता था ना। हम ना तेरे बताओ,